वायरस की लहर अब शहर शहर देखने को मिल रही है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, हर जगह कोरोना के ताजा आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू का जो दौर महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, अब वो दिल्ली होते हुए पंजाब पहुंच गया है। इस बीच कुछ राज्यों ने वैक्सीन को लेकर चिंता व्यक्त की है और डोज की कमी होने की बात कह दी है। कोरोना की इस ताजा लहर के बीच कैसे आज घटनाक्रम रहा, एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को कोरोना वायरस के जो आंकड़े आए, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। देश में बीते 24 घंटे में कुल 1.5 लाख केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। पिछले 3 दिन में ये दूसरी बार हुआ। अब केस 1 लाख से अधिक आए। अब भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां 56,000 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बीते कुछ वक्त के सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र की तरह ही आंध्र प्रदेश ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखी, तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज मांगी है। आंध्र का कहना है कि उनके पास 4 लाख से कम डोज बचे हैं। वो हर रोज 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज लगा रहे हैं।